सबसे ऊंचे लोकतंत्र मंदिर के लिए चंद्रपुर में सागवन की लकड़ी की चौखट होगी। भारतीय संसद के नए भवन के लिए चंद्रपुर गढ़चिरौली जिले के सागवन की लकड़ी की आपूर्ति की जा रही है। राज्य वन विकास निगम के बल्लारपुर डिवीजन ने इस उद्देश्य के लिए अगस्त 2021 से 13,000 क्यूबिक फीट सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली लकड़ी नई दिल्ली भेज दी है। भारतीय संसद के नए भवन के लिए 13,000 क्यूबिक फीट सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली लकड़ी नई दिल्ली भेज दी है, जहां सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पूरा होने वाला है। वहीं टाटा बिल्डर ने इंटीरियर डेकोरेशन का काम नर्सी एंड एसोसिएट्स को दे दिया है। कंपनी के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया मंत्र को ध्यान में रखते हुए इस अनूठी परियोजना के लिए देश विदेश में सबसे पहले सागवन की लकड़ी का परीक्षण किया। चंद्रपुर जिले के बल्लारपुर वन विकास निगम के सागवन की लकड़ी को शक्ति चमक के सभी मानदंडों को पूरा करने और लकड़ी के उत्पाद की शास्त्रीय सुंदरता को बनाए रखने के बाद अंतिम वरीयता मिली। यह सागवन गढ़चिरौली के आलापल्ली क्षेत्र का है और देश के शीर्ष गुणवत्ता वाले सागवन में से एक है। बल्लारपुर में देश का सबसे बड़ा सरकारी टिम्बर डिपो और नीलामी बाजार है, यहीं से देश भर से लकड़ी के व्यापारी खरीदने आते हैं। नर्सी कंपनी के अधिकारियों ने बल्लारपुर में सामान्य सार्वजनिक नीलामी प्रक्रिया में भाग लिया। निकट भविष्य में मांग पर सेंट्रल विस्टा परियोजना को और 6,000 क्यूबिक फीट लकड़ी की आपूर्ति की जाएगी। चंद्रपुर की सागवन की लकड़ी का भारतीय संसद के लिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में स्थान है, जो दुनिया में सबसे खूबसूरत में से एक है। यह इमारत भारत के गौरवशाली इतिहास और वर्तमान को बताएगी, इसलिए चंद्रपुर गढ़चिरौली में टिकाऊ सागवन का उपयोग गौरव का विषय बन गया है। चंद्रपूरचे लाकडाचा जो पॅटर्न आहे आणि त्याची जी टिकाऊता आहे, त्यांनी मटेरियल टेस्टिंग सर्टिफिकेशन करून घेतले सगळ्या लाकडांचे आणि त्यामध्ये या सगळ्या क्वालिटीमध्ये वेगवेगळ्या पातळ्यांवर याच्या चाचण्या झाल्या, तर यामध्ये हे सर्वोत्तम लाकूड त्यांना लक्षात आलं। म्हणून या लाकडांची जास्त टिकाऊता, उपयुक्तता आणि त्याची आकर्षकता या तीन गोष्टींचा मेळ घालून त्यांनी या लाकडास पसंती दिली। हे लाकूड मुख्यत्वे चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यातून आलेलं आहे आणि त्यांच्यासाठी अजून त्यांना भरपूर रिक्वायरमेंट आहे आणि ते अजून खरेदी करत आहेत।